गदर 2 ने हिंदी सिनेमा इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। सन्नी देओल की गदर 2 इस खबर के लिखे जाने तक 17 दिनों में 454 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान की पठान इकलौती हिंदी फिल्म है जो गदर 2 से आगे है। फिल्म की ऐसी धुआंधार कमाई के बाद कहा जाने लगा कि सनी देओल ने अपनी फीस में भारी इजाफा कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गदर 2 के बाद सनी देओल एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं, जो उन्हें सलमान खान और शाहरुख खान वाली टॉप स्टार्स की फहरिस्त में शामिल करती है। हालांकि सलमान शाहरुख फीस के अलावा फिल्म के प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेते हैं। अब फीस को लेकर चल रही खबरों के बारे में सनी देओल ने खुद बात की है। जब सनी देओल से गदर 2 के बाद अपनी फीस बढ़ाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, गदर 2 की रिलीज के वक्त खबरें आई थीं कि सनी ने इस फिल्म के लिए 300% ज्यादा फीस ली है। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि सनी देओल ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस से समझौता किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम फिल्म के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे पाएं। Spotball.com की रिपोर्ट के मुताबिक सनी ने गदर 2 के लिए 20 करोड़ रुपए फीस ली है, जबकि इससे पहले सनी देओल अपनी फिल्मों के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की ही फीस लेते थे। गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा और गौरव चोपड़ा जैसे एक्टर्स ने काम किया है।